अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण समाज द्वारा पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। अखिल भारतीय भूमिहार ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश नारायण सिंह, संरक्षक वीरभद्र राय के नेतृत्व में नोएडा सोसाइटी प्रकरण में श्रीकांत अनुत्यागी प्रकरण में प्रशासन द्वारा एक पक्षीय गलत कार्रवाई से उत्पन्न आक्रोश और आगामी 21 अगस्त को नोएडा में होने वाले विशाल सम्मेलन के मद्देनजर वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री कैंप कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पश्चिमांचल से लेकर पूर्वांचल तक भूमिहार ब्राह्मण इस प्रकरण से बेहद आक्रोशित है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भाजपा के ऊपर दिख रहा है। कारण कि हम पुरातन काल से ही राष्ट्र प्रेम देश हित से जुड़े हुए हैं। शीर्ष भाजपा नेतृत्व ने यदि समय रहते इस प्रकरण पर ध्यान देकर अनुचित धाराओं और गलत कार्रवाई का निस्तारण नहीं किया तो इसका खामियाजा आने वाले समय में काफी नुकसानदायक सिद्ध होने वाला है। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से केएन राय, सदानंद राय, नंद कुमार राय, अनिल कुमार राय इत्यादि लोग शामिल रहे। नोएडा ओमिक्स में श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार के साथ एक सामान्य सी कॉलोनी की घटना थी। वहां के सांसद महेश शर्मा ने अनावश्यक रूप से जानबूझकर के राष्ट्रव्यापी घटना बना दिया और त्यागियों को घोर अपमानित करने का प्रयास किया और इससे पूरा का पूरा ब्रह्मर्ष समाज पूरे हिन्दुस्तान का आहत है और उद्वेलित है। इस प्रकरण को लेकर के 21 तारीख को कल नोएडा में विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। आप सब भिज्ञ हैं कि ये समाज ब्रह्मर्ष समाज राष्ट्रपक्ष समाज है। सदी से शताब्दियों से इसने त्याग बलिदान तपस्या की इसकी भूमि घूम रही है और ये भाजपा का आज की तारीख में कोर वोटर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिया है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कराएं और जो लोग इस षडयंत्र में भारतीय जनता पार्टी के अन्य जो भी लोग हैं इस षडयंत्र में भागी है उनको दंडित किया जाए, उनको पार्टी से निकाला जाए, अन्यथा की स्थिति और श्रीकांत त्यागी उनके परिवार उनके रिश्तेदारों को अविलंब उनके ऊपर से FIR वापस लिया जाए और सारे मुकदमे वापस लिए जाए और उनको सम्मान बरी किया जाए। अन्यथा की स्थिति में ब्रह्मर्षि समाज अपना राजनीतिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसकी जिम्मेदारी सबकी होगी।